इन्फ्लेशन का बेसिक्स क्या होता है वो हमने जान लिया है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जान लिया है, लेकिन हम कुछ आज एक्स्ट्रा जानने वाले हैं। वो क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन वर्सेस कोर इन्फ्लेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहले समझेंगे क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। यहाँ पर ये जो कुछ देख रहे हैं ना, फल हैं, सब्जियाँ हैं, पेट्रोलियम है, ठीक है ना, गैस है, बस यही है डिफरेंस, समझते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकोनॉमी। ओके, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक में या हमारी अर्थव्यवस्था में कुल कितनी महंगाई है इस वक्त वो पता चलता है। तो इसमें शामिल क्या होता है? प्राइस राइज इन फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर कमोडिटीज। इसको स्पेसिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दूसरे तरीके हैं उसमें होता क्या है कि फूड के या फ्यूल के जो प्राइस राइज हैं उनको हटा दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि इनके प्राइसेस में सीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। हो सकता है कि मान लो संतरे की सप्लाई करनी थी और कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ी भी गड़बड़ी आ गई तो यहाँ महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो होता क्या है कि इन्फ्लेशन मापने में इनको हटा दिया जाता है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में इनको इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड प्राइस राइज इन फूड, फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज़। ओके, यानी ठीक है। तीसरा, इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, सब्जियां हैं, फल हैं, गैस है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर फल सब्जियां महंगी हो रही हैं तो यानी जिंदगी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, महंगा हो रहा है। सो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज ऑफन क्लोजली रिलेटेड टू शिफ्ट इन कॉस्ट ऑफ लिविंग विच प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स विद इन द मार्केट प्लेस। ये क्यों बहुत ज़रूरी हो जाता है? देखो, अगर इंडिया की बात करें तो जो डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत फ़र्क डालती है। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हो सकता है कि जो सरकार उतना स्टेबल ना रह जाए, ठीक है ना, उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएँ। तो सरकार को पता होना चाहिए ना कि महंगाई कितनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ तो नहीं रही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगी हमें? हेडलाइन इन्फ्लेशन से। ओके, आगे इसको पता कैसे चलता है? मापने का एक तरीका होता है WPI, द इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस्ड इन WPI यूजली डिनोट्स द हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। WPI से में, चूंकि WPI में क्या होता है, जो प्राइम ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है ना, तो WPI का जो डेटा होता है उसको हम मान सकते हैं कि वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को काउंट कर रहा है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। आगे समझते हैं कोर इन्फ्लेशन। इसको अंडरलाइन इन्फ्लेशन या नॉन फूड इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल किया जाता है? कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जहां पर लगता है कि हमें एग्जैक्ट पिक्चर क्या है इन्फ्लेशन की वो पता चले, क्योंकि सब्जियों में, फलों में सीजनल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम में है, अचानक कोई वॉर हो गया, ठीक है ना, सीधे महंगे हो जाएगा पेट्रोल, और हो सकता है वॉर जैसे ही खत्म हो पेट्रोल फिर सस्ता हो जाए, तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कहते हैं, इसको हटा दो, इसके बाद देखो कि बाकी इन्फ्लेशन की दर कैसी है, उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। जैसे कोर इन्फ्लेशन को भी यूज़ किया जाता है इकोनॉमी में एक्सटेंड ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी ज़्यादा है उसको मापने के लिए। ओके, बट इट डज नॉट कंसीडर द इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल। रीजन आपको बता दिया, ठीक है ना, क्यों इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। बस आपको यही याद रखना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में इनको इंक्लूड किया जाता है जबकि कोर में नहीं किया जाता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग की एक्चुअल पिक्चर दिखाता है जबकि कोर इन्फ्लेशन नहीं दिखाता है, लेकिन इसके दूसरे यूज हैं, ठीक है ना। सो देयर इज नो इंडेक्स फॉर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना, यानी इसके डायरेक्ट मेजरमेंट के भाई कोई तरीका नहीं है कि कोई इंडेक्स आता हो जो कोर इन्फ्लेशन को मापता हो, नहीं। लेकिन फिर भी अगर WPI से, CPI से, ये क्या होते हैं इन पर मैं अभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो WPI से, CPI से देखते हैं कि फूड और फ्यूल को हटा दो, ठीक है ना, फूड एंड फ्यूल, और फिर देखो जो बाकी जो कुछ उसमें बचा उसमें कीमतें कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं, ठीक है ना, फिर उसको नापते हैं कि ये है कोर इन्फ्लेशन। देखो इसको हटा इसलिए दिया जाता है कि वही रीजन है कि फूड एंड फ्यूल, ठीक है ना, सीजनल वेरिएशंस आते हैं बहुत ज़्यादा, मानो मानसून फेल हो गया, अब अचानक महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अब सरकार कर क्या सकती है इसमें बहुत ज़्यादा, तो कहते हैं इसको हटाओ, बाकी चीज़ें देखो जाके कहीं उनमें महंगाई तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है कि पता चले आप बाकी हर चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, यानी कि हो सकता है कि इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल समस्या है,
ठीक है ना। अब मानसून तो बरसा तो सकते नहीं है, लेकिन और कोई समस्या है, पता चला कि हाईवे ख़राब है हमारे, ठीक है ना। हाईवे की वजह से महंगाई बढ़ रही है क्योंकि गाड़ियों में बहुत टूट फूट हो रही है, तो जो उसमें सामान लद के आ रहा है तो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो सब चीज़ें पता करने के लिए यूज़ करते हैं कोर इन्फ्लेशन। ओके, सो अगर फूड इंक्लूड होगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन फूड एंड फ्यूल, अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा तो वो होगा हमारा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को मापने का कोई स्पेसिफिक तरीका भी नहीं है। ओके,